श्रेया आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको मालूम था कि आप टॉप 5 में आ जाओगे? कॉन्फिडेंट थे आप? अच्छा, आपको ये उम्मीद थी कि आपके स्कूल के डायरेक्टर सर आपके घर आएंगे आपको बधाई देने? ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो? अपनी सफलता का मंत्र बताएंगे आप कि इस वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब हुई? कंसिस्टेंसी और रेगुलर स्टडीज। और आपने एनसीईआरटी की बुक को ज़्यादा फोकस किया कि रेफरेंस बुक को ज़्यादा फोकस किया था? एनसीईआरटी की बुक को फोकस किया। कितने घंटे आप पढ़ते थे? 6 से 7 घंटे आप पढ़ते थे। क्या आप अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छे नंबर्स लाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए बड़े बड़े कोचिंग क्लास को ज्वाइन करना चाहिए कि खुद की मेहनत से बच्चा अपने मकसद में कामयाब हो सकता है? क्या कहना चाहोगे? खुद की मेहनत से हो सकता है। आपका आगे क्या लक्ष्य है? JEE की तैयारी करना है आपको। JEE में मान लीजिए आपके अच्छे नंबर आ गए तो कहाँ जाना चाहोगे आप पढ़ने के लिए? कोई ऐसा ड्रीम है आपका कि इस कॉलेज से ही मुझे IIT तो बहुत सारे हैं, बट आपका ड्रीम कौन सा IIT? IIT मुंबई पवई। अच्छा, मान लीजिए कल को आप IIT से भी क्लियर कर लिए, आप अपने मुकाम तक पहुंच गए, उसके बाद आपका क्या सपना रहेगा? क्या करोगे आप अपनी फैमिली के लिए? आपकी फैमिली के लिए क्या करोगे आप? मान लीजिए कल आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, आप अपनी फैमिली को क्या दोगे? अपने मम्मी पापा दादा दादी उनके लिए क्या करोगे? हाँ बोलो। अच्छा, नया घर बनाओगे क्योंकि ये घर छोटा पड़ रहा है आपको तो अच्छा एक नया अच्छा घर बना के दोगे, आधुनिक सेवाएं वाला? ठीक है, ठीक है। आपके आदर्श कौन है? हु इज योर रोल मॉडल? स्वामी विवेकानंद आपके रोल मॉडल हैं। ओके, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक स्टूडेंट के नाते आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्या परिवर्तन जाना चाहते हो आप शिक्षा के क्षेत्र में? हर बच्चा शिक्षित हो। थैंक यू। आपको अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर राजीव बाबू देशमुख सर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, डॉक्टर आशीष देशमुख सर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हमारे रेसिडेंशियल डायरेक्टर सर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे स्कूल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका उज्ज्वल भविष्य हो, यही शुभकामनाएं।